एक बात सुन, पूरा गुजरात को बेच के खा के आया मोदी यहाँ। अभी देश में प्रधानमंत्री को, अरे मोदी है क्या, अमित शाह है, मोदी जी प्रधानमंत्री, सबको जवाब चाहिए, इतना इतना जवाब चाहिए। मोदी प्रधानमंत्री बोला 15 लाख रुपए, मोदी 80 करोड़ जनता को राशन मिल रहा है, इस पर घुसे दे राशन, तेरे इस पर घुसे दे। माता जी गुस्सा मोदी की वजह से दुनिया मर रही है, समझ गए, सड़क पे दुनिया आ गई। परेशानी हो, दो चार परेशानी आप बता दीजिए मोदी जी, आप दो चार परेशानी बता दीजिए ना, कि आपका नोटबंदी होगा, आपका फलाना बंदी होगा। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त जाहिद, आप देख रहे हैं डेली। इस वक्त हम मौजूद है चांदनी चौक पे, यहाँ पे लोगों से जुड़े हुए जानने की कोशिश करें कि इस बार के 24 के चुनाव में देश के अगला प्रधानमंत्री कौन बनने जा रहा है। चले चले, मैं एक आपसे सवाल पूछना चाहेंगे, मोदी जी आ रहे हैं 24 में, हाँ तो मोदी जी क्या करने आ रहे हैं यहाँ पे, क्यों आ रहे हैं? इस बार प्रधानमंत्री बनेंगे मोदी? नहीं बनेगा ना। क्यों नहीं बनेगा? क्यों, उसने सबकी जिंदगी खराब नरक कर रखी है। क्या नरक कर रखी जिंदगी में, क्या नरक नहीं कर रखा उसने, हर चीज नरक कर रखी है। गरीबों के लिए क्या कर रखा है? लोग सुरक्षित हो गए नहीं हुए ना, परेशान है, पूरी दुनिया में मोदी जी का डंका बज रहा है, वो बेमतलब का बज रहा है। उससे योगी जी अच्छे हैं मगर मोदी जी बेकार हैं। लोग मोदी मोदी कर रहे हैं, हाँ मोदी जी नहीं आने चाहिए, मोदी जी की वजह से आप जिंदा हैं। लोग मोदी की वजह से दुनिया मर रही है, समझ गए, सड़क पे दुनिया आ गई। परेशानी हो, दो चार परेशानी आप बता दीजिए मोदी जी, आप दो चार परेशानी बता दीजिए ना, कि आपका नोटबंदी होगा, आपका फलाना बंदी होगा, आपका उसकी माँ की बंद हो गई। तो नोटबंदी से लोगों को फायदा तो हुआ, नुकसान भी हुआ है, आतंकवाद का कमर तो नुकसान भी हुआ, कह रहे नुकसान हुआ है। एक मिनट मैम, एक मिनट सुनिए ना मैम, हेलो मैम सुन लीजिए ना मैम, एक मिनट सुन लीजिए ना, आप काफी अच्छा बोल रही थी, ये बताइए नोटबंदी का फायदा नहीं हुआ है? भैया नोटबंदी का देखो कुछ फायदा तो हुआ नहीं, लेकिन जो लोग क्या ना गरीब थे ना बेचारे, मैं बता रही हूँ, जो लोग क्या ना रोड पे पड़े हुए बेचारे, उनसे पूछ रहे हैं, उनके पास खाने तक को नहीं है, क्योंकि हम लोग क्या ना हर घर जाते हैं, हमें पता है लोग कितने परेशान हैं, ठीक है ना, जो गरीब इंसान की तो बहुत बुरी हालत है सीरियसली। तो फिर फायदा किसका हुआ मोदी जी के सरकार में? मोदी जी की सरकार में फायदा किसी का भी नहीं, लेकिन क्या नाम है, मोदी को ये तो सोचना चाहिए गरीबों के लिए कुछ करे, और किसी के करे ना करे, लेकिन गरीबों के लिए उसको करना चाहिए। अभी ये तुम्हारे क्या नाम है, क्या नाम, जो बाढ़ आई थी उसमें कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है ना, यमुना का पानी इतना फैल गया, जो गरीब बेचारे नीचे रह रहे थे वो बेचारे ऊपर झोपड़ी पट्टी में आ गए। मैं आपसे एक सवाल लेना चाहेंगे कि मोदी जी ने अभी कहा है कि जब हम तीसरी बार यहाँ के प्रधानमंत्री बनेंगे तो अर्थव्यवस्था में पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पे हम आ जाएंगे। मेरे ख्याल से तो आने चाहिए, लेकिन उनको गरीबों के बारे में सोचना चाहिए। मैं तो मोदी से यही अपील करूंगी कि गरीबों के लिए बहुत अच्छे से अच्छा वो करेंगे तो उनको ज्यादा वोट ही मिलेंगे। कहते हैं मोदी जी झूठ बोलते हैं, तो क्या सच में मोदी जी झूठ बोलते हैं? भैया इस बारे में मुझे नहीं पता, क्योंकि ना मैं मोदी को जानती ना मोदी मुझे जानते, साफ बात। मैं तो मोदी जी सच बोलते हैं झूठ बोलते हैं? हमें क्या पता, झूठ बोलते हैं, हमें अपने नहीं पता, हम सच बोलते हैं झूठ बोलते हैं, अपने नहीं पता। भैया आप बता दीजिए कि मोदी जी जो कहते हैं क्या वो वादा पूरा करेंगे? अभी तक तो कोई वादा पूरा किया नहीं है सर, अभी तक तो कोई वादा किया नहीं है, आगे पता नहीं, अभी तक तो कोई वादा किया नहीं है। आगे आगे कह रहे हैं, फिर से लोग कह रहे हैं और जो बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि तीसरी बार हम प्रधानमंत्री जो है मोदी बनने जा रहे हैं, इस बार हम बनाएंगे सर, इस बार इंडिया जीतेगा और इंडिया को ही हम सपोर्ट करेंगे। कौन इंडिया? इंडिया कांग्रेस गठबंधन, गठबंधन महागठबंधन, अच्छा महागठबंधन की सरकार आएगी भाई। इंडिया नाम रखने से आप दूध के धुले हो जाएंगे? दूध का धुला हुआ तो कोई भी नहीं है, अगर आप इतनी गहराई के अंदर जाओ तो दूध का धुला हुआ कोई भी नहीं है, समझ गए? ये तो अभी सरकार इनकी चल रही है तो भाई उसके अंदर कमियां निकाल रहे, जब उनकी सरकार आएगी तब देखना आप क्या होगा, आने तो दो फिर पता लगेगा। कौन प्रधानमंत्री का चेहरा कौन है आपका? वो तो हो जाएगा। मोदी को हम देंगे तनख्वाह कांग्रेस को जाने के लिए, क्योंकि वो बेटी पढ़ाए बेटी बचाए किया है, आज तक लोगों का बीमारी हुआ है कोरोना वायरस में, अभी किया क्या है, नोटबंदी में कितना आदमी मरा है उसका जवाब। मैम एक मिनट, एक सवाल आपसे लेना चाहेंगे मैम, चलिए और लोगों से जुड़ेंगे जानने की कोशिश करेंगे। अंकल से एक मिनट भाई, जरा ये क्या नाम है आपका? नहीं मैं नहीं बोल रहा, नाम बता दीजिए ना भाई, नाम नहीं बताएंगे, नाम बता दीजिए, क्या नाम है आपका? नहीं हम, अरे नाम बताइए ना। हमारा नाम दिलवर हुसैन है। दिलवर हुसैन जी, क्या मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं? नहीं वो तो आप लोग देख ही रहा है कैसे काम कर रहा है, एकदम खराब काम कर रहा है, काम खराब कर रहा है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम असम के हैं। असम के, तो असम में सब बढ़िया चल रहा है? नहीं नहीं नहीं, कुछ भी बढ़िया नहीं चल रहा है, कुछ भी बढ़िया नहीं चल रहा है, सब हिंदू मुस्लिम हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। मोदी सरकार में मुसलमान, जात पात के नाम पे ही राजनीति चल रहा है, जात पात के राजनीति चल रहा है, कोई नहीं चल रहा। गलत, ये बिल्कुल गलत है। आप यूपी के अंदर जाइए,
जितने मकान मुसलमानों को मिले हिंदुओं को नहीं मिले। और ये कह रहे ज्योतिपद के एक आदमी ऐसा है, फ्री का राशन ले लो, फ्री का सब कुछ लो, लेते रहो, सब कुछ लेते रहो, अगर इनके कहते रहेंगे तो सब ठीक है, ठीक है। और जहां इनके इन्होंने कोई गलत काम करा और इन्हें सजा दी तो हाय 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 तो चिल्लाने लगते हैं। इनका यही कौन चिल्ला रहा है? अगर माफियाओं को खत्म किया जा रहा है, करप्शन को रोका जा रहा है, तो कौन चिल्ला रहा है? अब एक बात बताओ, वहाँ अतीक अहमद मारा गया, अतीक अहमद जो मरा तो चिल्लाए नहीं गया? चिल्लाए कि नहीं चिल्लाए? आप लोग कह रहे थे जो इनकाउंटर हुआ वो गलत है। बता रहा हूँ मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको एक बात का पता है कि वक्फ बोर्ड के आज दूसरे नंबर पर, वक्फ बोर्ड के बाद दूसरे नंबर पर, देश में दूसरे नंबर पर वक्फ बोर्ड के बाद जमीन है भाई। क्यों? क्योंकि उसने सरकार कह दिया, अगर उसने कह दिया वक्फ की जमीन है तो आपको क्या परेशानी है? अरे एक बात हो, 91 में जमीन पे वक्फ बोर्ड ने कब्जा, सरकार ये लेके आई थी, एक सरकार बिल लेके आई थी, जो मोदी को कह रहा है सरकार, एक कांग्रेस ये बिल लेके आई थी कि वक्फ बोर्ड ने कह दी ये जमीन इसकी है तो वो उसकी हो गई। ऐसा थोड़ी हो जाएगा कि कोर्ट कचहरी थोड़ी। अरे मोदी ने भी बांटा है मकान, ऐसे तो मोदी जी ने भी बांटा है मकान, किसको मिला है? 15-15 लाख रुपए बांटा है, वो कहाँ मिला है? 15 लाख रुपए कहाँ मोदी जी बोले हैं? 15 लाख अमित शाह जी ने बोला है यार, नहीं आपके पास जानकारी नहीं, मोदी जी ने कभी नहीं बोला। मोदी ने बोला 15 लाख रुपए, मेरे से बात कर, मोदी ने बोला 15 लाख। कब बोला है? 2014 में 15 लाख, 2014 से पहला, एक बात सुन, 2014 से पहले एक महीना पहले बोला था कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा तो 14 लाख रुपए हर एक गरीब को दूंगा। 15 लाख तो हाँ 15 लाख, आज 15 लाख बोला, 22 मकान 2024 में मकान, 2022 में मकान बोला, दो लाख नौकरी दी, 2 लाख नौकरी बोला इसने, और क्या बोला कि मेरे को प्रधानमंत्री बनाओ तो मैं आपको मकान भी दूंगा, नौकरी भी दूंगा, सब कुछ बोल दूंगा। अब मेरे कहने की एक ही बात है कि देश में प्रधानमंत्री कौन है, मोदी है क्या अमित शाह है? मोदी जी प्रधानमंत्री, सबको जवाब चाहिए, इतना जवाब चाहिए। मोदी प्रधानमंत्री बोला 15 लाख रुपए, मोदी प्रधानमंत्री है क्या अमित शाह प्रधानमंत्री? मोदी जी प्रधानमंत्री, सबको पता है मोदी जी प्रधानमंत्री बोला, आज उसको जनता का पूरा हिसाब कर दे। गरीबों को मोदी जी ने 5 किलो राशन दिया है, बात मानेंगे इस बात को? गरीबों को मोदी जी ने घर दिया है, मानेंगे इस बात? पलटा बात मत पलटा, 100 करोड़ जनता को मकान दे मोदी, 80 करोड़ जनता को राशन मिल रहा है, इसमें घुसे दे राशन, तेरी इसमें घुसे दे, माता जी गुस्सा घर में घुसे दे राशन को, चुपचाप बना गुस्सा मत, राशन को चुपचाप, बात मत पलटा राशन को चुटिया मत बना जनता को, राशन 5 किलो राशन से भूखी नहीं मरे जनता। मोदी जी प्रधानमंत्री बने, कहाँ है? कौन कह रहा प्रधानमंत्री, कौन कहेंगे? देश पागल नहीं है, जनता को पागल बना रहा मोदी अमित शाह। मोदी जी को कोई ताकत नहीं हरा सकता है। अरे मोदी का बेटा, मोदी सबको बेवकूफ बना रहा, ना कुछ भी काम करा मोदी ने, कुछ भी नहीं करा, खाली बड़ी बड़ी बातें गधे की लातों। पूरा गुजरात, एक बात सुन, पूरा गुजरात को बेच के खा के आया मोदी, यहाँ अमित शाह और मोदी मेरा गुजरात को बर्बाद करके आया, घर घर में दारू, घर घर में बंदा मर, घर घर में गुजरात की रहने वाली हूँ मैं, मोदी को इतना कह दे कि गुजरात में पाव मत रखे, गुजरात ये जाए, ये इसका गाँव है उधर, मेरे गुजरात का नहीं है मोदी, ये राजकोट, पोरबंदर, वीरावर, काठियावर, भावनगर का है, सारे जेब कतरे चोर भाई रहते हैं, सारे चोर जेब कतरे दिल्ली में आके घुसे, ये मोदी के गांव के, हम असली गुजराती, हम है मोदी जी गुजराती नहीं है, ना गुजराती कहाँ के हैं मोदी जी? राजकोट, पोरबंदर, वीरावर, काठियावर, भावनगर। अरे गुजरात में महिलाएं इतनी सुरक्षित हो रही है, कहाँ सुरक्षा है, कहाँ सुरक्षा है, कहाँ पे सुरक्षा है? क्या परेशानी? दिल्ली किसका बाप का है? जवाहरलाल का बाप का, जवाहरलाल का, इंदिरा गांधी का बना हुआ है। अच्छा। और ये गांधी का बना हुआ, दिल्ली इस देश की जनता का है, यहाँ की जो जनता है उसका दिल्ली है, जनता का किसी के बाप का नहीं है, जनता का। बाहर में एक बात सुन, कांग्रेस के है ना, बात सुन, जो ये देश आजाद कराने वाला जवाहरलाल पंडित भगत सिंह ने आजाद करवाया है, गांधी ने, लखन ने, गांधी ने, भगत सिंह ने, भगत सिंह का लाल किला बनना चाहिए, लाल किले पे कोई ना चढ़े, एक भी बंदा ना चढ़े लाल किला पे, कौन चढ़ेगा लाल किला पे? लाल किले पे कौन चढ़ेगा? राहुल गांधी को चढ़ाएंगे लाल किले पे, चढ़ेगा कौन? भगत सिंह का खानदान, इसका झंडा चढ़ेगा,
कोई नेता नहीं चढ़ेगा, कोई भी नेता, भगत सिंह का खानदान चढ़ेगा। जनता चुनेगी वो चढ़ेगा। जनता कौन है? मोदी जी को जनता, जनता को तो बेवकूफ बना, बेवकूफ मोदी ने बेवकूफ बना, लालच दी लालच। 15 लाख रुपए दूंगा, 15 करोड़ दूंगा, अभी कह रहा अभी तो 100 करोड़। इतना गुस्सा का है? एक बात सुन, ढंग से बोल रहे, अभी कह रहा 100 करोड़ दूंगा, मेरे को चॉइस पे ला दिए। ये हरिनगर का घंटा देने वाला नहीं है, ये फ्रॉड आदमी है, ये फ्रॉड फ्रॉड दोनों फ्रॉड है। मोदी अमित शाह प्रधानमंत्री मोदी है तो मोदी ने अपनी जिबान से बोला 15 लाख, 30 लाख रुपए हो गया। बोला है मोदी जी ने, कहाँ सुन लिया है? हमने तो आज तक नहीं सुना है कि मोदी जी ने कहा है कि 15 लाख रुपए वाला। तेरे को पता नहीं? हमको पता है। बेफुक मत बना, बेफुक मत बना। क्यों कहानी हो गया? क्यों देश बेच के खा गया, देश को बेच के खा गया मोदी अमित शाह और योगी, देश को बर्बाद कर दिया, देश को खा गए बच्चे। तो देश को बढ़िया कौन करेगा? कौन करेगा? देश करेगा। ये फौजी है ना, वो क्या कहते हैं, मिलिट्री शासन, कांग्रेस या बीजेपी, मिलिट्री शासन होगा वो करेगा सही। कांग्रेस या बीजेपी? हाँ कांग्रेस या बीजेपी, 24 में कौन? 24 में कांग्रेस, 24 में सोनिया गांधी, 24 में प्रियंका गांधी, 24 के अंदर राहुल गांधी। इंडिया जीतेगा। हमको ना चाहिए मोदी योगी, कुछ भी ना चाहिए, ये सारे फ्रॉड है, फ्रॉड योगी मोदी अभी सारे फ्रॉड। क्या कह रहे थे? देखिए 2024 इलेक्शन में मोदी पूरा सुपड़ा साफ है, पत्ता साफ, मोदी जी का सुपड़ा साफ है, पत्ता सपना अपना देखे हैं, देख लिया हूँ मैं, देखे मोदी जी आ रहे हैं, मोदी जी बिल्कुल आएंगे, कह रहे सुपड़ा साफ हो जाएगा। अरे इनके कहने मतलब मोदी जी और योगी जी ही आएंगे 2024 में। अगर मैं वोट दे सकता हूँ तो मैं मोदी को ही दूंगा, मेरा वोट मोदी को ही जाएगा, मेरा वोट तो मोदी को जाएगा, मेरे घर से भी, मेरे पड़ोस में सब मैं मोदी को ही वोट देंगे। आंटी ये भाई साहब है कह रहे हैं कि मेरा पड़ोस का, मेरे गांव का, मेरा मोहल्ला का वोट मोदी को जाएगा। हाँ मोदी को क्या दे? वोट देंगे मोदी को। मोदी प्यारा है, तेरे गांव ले जा, कौन सा गांव का तू? तू बता तू कौन सा गांव का है? यूपी ले जा मोदी को, मेरा गुजरात में नहीं चाहिए, सारा यूपी में ले जा चोर योगी को, मोदी योगी चोर। राम मंदिर बनाया, मेरे से बात कर, राम मंदिर बनाया, 15% बनाया, 15% क्या हरिनगर का घंटा घर है, राम मंदिर नहीं का घंटा घर, इसमें हरिनगर का राम मंदिर नहीं जाएंगे, राम मंदिर बनाया, राम मंदिर नहीं जाएंगे, देख के आई 15% मंदिर बना, 15-20%। आपको खुशी नहीं है मंदिर? क्या खुशी, क्या ये सारे हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, हिंदू को बोलते हैं मुसलमान है, हिंदू मुसलमान, ये पंडितों का घर भर रहा, पंडितों का फलका, उसको बहुत टैक्स लगाएगा पता, इस पर टिकट लगाएगा। मोदी जी 370 हटा दिए थे, तलाक का कानून, तलाक बड़ा, तलाक का कानून, अभी औरत के साथ क्या हो रहा भाई, ये लड़कियों के साथ क्या हो रहा, ये होटलों चले, गेस्ट हाउस चल रहा, लड़कियों नंगर नाच, लड़कियों को इज्जत की बेइज्जती। जो कितना जानते हैं? हाँ कितना जानते हैं मोदी को जानते हैं, क्या काम है तेरे को जानने से, क्या काम मोदी जी को, क्या काम है, कितना मेरा गुजरात में, तू पूछ ले गुजरात में क्या करा मोदी ने, मेरे गुजरात मॉडल के नाम पे जो है क्या नाम है सरकार बनी है, पड़ोसी है, कौन पड़ोसी, गुजरात का पड़ोसी है मोदी, मेरे अहमदाबाद का नहीं है,